हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिगनर मेकअप किट अंडर 200, वो भी इतने प्यारे प्यारे और ऐसे वैसे ब्रांड के नहीं, अच्छे अच्छे ब्रांड्स के प्रोडक्ट हैं। और आपको लग रहा होगा मैं इतने तैयार होकर क्यों बैठी हूँ, क्योंकि मैंने इन्हीं सारे प्रोडक्ट से ये लुक क्रिएट किया है। गाइज, जो आप ग्लो देख रहे हो ना, इन्हीं सारे प्रोडक्ट से आया है जो मैंने परचेज किया है। अगर आप बिगनर हो ना तो बस कहीं भी मत जाओ, सारा काम छोड़ के बैठ जाओ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। करने से पहले ना आप अपना फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। कोई भी फेस वॉश यूज कर सकते हैं या फिर आप वाइप्स का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से पूरे डस्ट जो आप अच्छे से हटा देगा। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कलर बार का ऑन द गो मेकअप रिमूवर वाइप्स। बिगनर होना तो अपने वैनिटी बॉक्स में इसको आराम से रख सकते। सबसे पहले मैं यूज करूंगी प्राइमर। तो प्राइमर के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है आपके लिए, एक है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग प्राइमर और दूसरा है साइट का पोर मिनिमाइजर प्राइमर। ये दोनों आप देख लो, प्राइस दोनों के मेंशन कर दूंगी मैं स्क्रीन पे ही। इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसे मिल जाएगी, बहुत क्यूट सी पैकेजिंग है। एक साइड पे ये वाला यूज करूंगी और एक साइड पे ये वाला यूज करूंगी। मैंने इधर ये वाला लगा लिया स्विस ब्यूटी। वाओ, एक शाइन सा आ गया सी ये इनसाइट। प्राइमर डन। हमेशा याद रखना, फाउंडेशन लगाने से पहले प्राइमर आप जरूर लगाइए, बहुत अच्छा एक इफेक्ट आता है। इन दोनों को ही मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। ये थोड़ा हाइलाइटिंग वाला इफेक्ट दे रहा है और ये वाला थोड़ा मैट में जा रहा है, जो अपने आपके पोर्स को काफी ब्लर कर दे रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बजट में है तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। कंसीलर, तो इस बार मैंने ट्राई किया है कंसीलर के लिए इनसाइट का कंसीलर और ऑरेंज करेक्टर, जो भी बोल लो। अगर आपके बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं या आपके चेहरे पे थोड़े बहुत स्पॉट्स हैं तो उसके लिए आप ऑरेंज करेक्टर यूज कर सकते हो, नहीं तो स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर भी बहुत अच्छा है, बेस्ट सेलर है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। मैं दोनों को यूज करूंगी। सबसे पहले मैं ऑरेंज करेक्टर यूज करूंगी, तो ये लगाया, इसका एप्लीकेटर बहुत सही दिया है, जहां भी आपको लग रहा है आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। पर हाथ से मैं ब्लेंड करके देखती हूँ। नाइस nice. और एक बार स्पॉन से, वेरी नाइस nice. ये छोटे वाले स्पॉन्जेस मैंने अभी जो मेकअप अभी जो रैंडम फाइंड्स किया है ना मीशो का, उसमें मैंने ऑर्डर किया था, बहुत अच्छा है गाइज। अगर आप नहीं देखे हो तो देख लो, बहुत सस्ते में आपको 8 स्पॉन्जेस मिल रहे हैं मीशो से, जो कि बहुत अच्छा है और बहुत बजट में भी है, इस वजह से मैं बोलूंगी आपसे लेने के लिए। तो ये मैंने अच्छे से ऑरेंज करेक्टर यूज कर लिया है, अच्छे से ये ब्लेंड हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बारे में मैंने बहुत सुना था, अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। और इसमें बहुत सारे हैं, आपका जो भी शेड होगा आप उसमें ले सकते हो। एक ऑरेंज करेक्टर अपने पास हमेशा रखना, थोड़ा बहुत अगर स्पॉट होता है तो काफी अच्छे से वो कवर हो जाता है। हाईली रिकमेंड करूंगी मैं, बहुत अच्छा लगा मुझे, अंडर बजट काफी अच्छा है। अब मैं यूज करूंगी साइट का बीबी फाउंडेशन, ये भी इनका न्यू लॉन्च है और इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। छोटा सा मिल जाएगा आपको ऐसा, बस ये पिंक कलर मुझे नहीं अच्छा लगा, फ्रेंकली स्पीकिंग पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लग रहा। ये बॉटल का, ये ग्लास का ये अच्छा लगा, अगर ये व्हाइट दे देते ना तो बहुत सुंदर लगता, ये पिंक मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। ये भी बीबी क्रीम अच्छा है, बट बहुत ज्यादा लाइट कवरेज देता है। अगर आपको चाहिए कि थोड़ा सा आप थोड़ा आपको बोल्ड मेकअप चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा फाउंडेशन ऐड कर सकते हो, आपका जो भी फाउंडेशन हो। जैसे मेरे पास अभी मामा अर्थ का फाउंडेशन है तो इसमें थोड़ा सा ऐड करके मैं लगा सकती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये कितना ज्यादा कवरेज देता है। तो बस थोड़ा सा लिया मैंने, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा ही आ गया। ओके, ये स्मेल बहुत अच्छा कर रहा है। सी, उतना ज्यादा कवरेज नहीं है बट एक पिंकिश सा ग्लो दे दिया है जो कि अच्छा लगा मुझे, और ये बहुत ज्यादा सस्ता भी है गाइज, तो एक बार आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो। अगर आप डेली के लिए यूज करना चाह रहे हो ना तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। वाओ, आप देख सकते हो डिफरेंस। नाइस, का भी इधर लगा ही लेती हूं, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है यार, मतलब बहुत लाइट सा कवरेज है। अगर आपको बहुत लाइट सा मेकअप चाहिए तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। वाओ, अब मैं यूज करूंगी कंसीलर। तो कंसीलर के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर और ये बहुत अच्छा कंसीलर है, आई थिंक मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये बेस्ट सेलर रह चुका है इनका। और अगर अंडर बजट में आपको कुछ अच्छा चीज चाहिए ना तो जस्ट गो फॉर इट, बहुत सही है। सी, मक्खन की तरह ये ब्लेंड हो जाता है गाइज। ये जो भी मैंने मेकअप किट रेडी किया है ना आपके लिए, इसमें वही सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, क्योंकि मैं खुद इतना एक्स्ट्रा यूज नहीं करती हूँ। और सच बताऊं तो अभी जितना भी मैंने अभी बाय किया है, ये मैं फर्स्ट टाइम ऐसे बाय कर रही हूँ,
क्योंकि मैं अब YouTube पे हूं, मुझे बनाना पड़ता है, नहीं तो मेरे पास सिर्फ एक फाउंडेशन था, वो भी कितने साल बाद मैंने एक परचेज किया था और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था और मैं उसी पे अपना काम चलाती थी। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगी पैसा वेस्ट मत करो, जो भी जरूरत हो बस वही लो, बाकी का कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। अब आएंगे ब्लश में, तो ब्लश के लिए मैंने परचेज किया है लैक्मे का, क्योंकि बहुत ज्यादा सस्ता मिला था, आई थिंक 144 का ऐसे मुझे मिला है, इसका प्राइस है 250 रुपए। ये वाओ, नाइस, सी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है गाइस, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। अगर आप थोड़ा कोरल में जाना चाहते हो तो कोरल के लिए भी है, न्यूड में जाना चाहते हो तो न्यूड के लिए भी है। सी नाइस, ब्यूटीफुल। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, ज्यादा ब्लश नहीं लगा रही हूं मैं। तो ये था लैक्मे का, क्या नाम था इसका, लैक्मे का फेस इट ब्लश, बहुत ज्यादा अच्छा है, इसको हाईली रिकमेंड करूंगी। इसको भी अगर बजट में कुछ लेना चाहते हो तो आप इस पर ट्राई कर सकते हो, नहीं तो स्विस ब्यूटी का ब्लश बहुत अच्छा है, इनसाइड का ब्लश बहुत अच्छा है, इवन ब्लू हेवन का ब्लश भी बहुत अच्छा है, उसको भी आप ट्राई कर सकते हो। सबके लिंक्स मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप प्लीज वहां पे चेक कर लीजिएगा, जो भी आपके बजट में हो वही ट्राई करो यार, जरूरी नहीं मैं जो दिखा रही हूं वही, इससे भी सस्ता अगर कुछ आपको लगता है तो डेफिनेटली आप इसमें जा सकते हो। ब्लश हो गया, सब कुछ हो गया, अब मैं हाईलाइटर नहीं लगाऊंगी, मैं सबसे पहले करूंगी आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए मैंने इस बार परचेस किया है ग्लैम 21 का ये आई शेडो, मेरे पास न्यूड भी है स्विस ब्यूटी का, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है, और मैंने अपने नाइका हॉल में उसको शेयर भी किया था। इस बार मैंने परचेस किया है मिंत्रा से ग्लैम 21 का माय बीएफएफ स्पॉटलाइट आई शेडो, इसके कलर बहुत ज्यादा अच्छे लगे मुझे, सारे ब्राइट कलर भी हैं और न्यूड भी है, तो इस वजह से मुझे बहुत पसंद आया। मैं थोड़ा गोल्डन टच रखना चाहती हूं, तो मैं यूज कर रही हूं डार्क ब्लू कलर थोड़ा सा, और मैं यहां पर लगाऊंगी अपने कॉर्नर्स में, बस सेम इधर भी करेंगे। अब मैं गोल्डन कलर लेके मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी लाइक दिस, सी देते हैं, ये बहुत अच्छा है, बहुत पिगमेंटेड है, बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो रहा है, मुझे ये चीज सबसे अच्छी लगी। आप देख सकते हो इसमें कलर भी बहुत सारे, कलर ऑप्शन आपको बहुत मिल जाएंगे इसमें, इसको भी कर लेते हैं फटाफट। इसको भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगी ग्लैम 21 का माय बीएफएफ स्पॉटलाइट आई शेडो, बहुत अच्छा है। मैं अप्लाई करूंगी आईलाइनर, तो आईलाइनर के लिए मैंने परचेस किया है लैक्मे का आईलाइनर। लैक्मे का आईलाइनर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रांड बहुत अच्छा है और ये बहुत सस्ता मुझे मिल गया मिंत्रा से, और ये छोटू सा है ब्लैक कलर का, इसका ब्रश एंड ब्रश वगैरह सब कुछ बहुत ज्यादा सुंदर है। तो इसको फटाफट से अप्लाई करते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको। वाओ, एक बार में लग गया, इसकी ब्रश की क्वालिटी सच में बहुत अच्छी, पतली सी, अगर पतली से पतली मोटी से मोटी आईलाइनर भी आप आराम से लगा सकते हो। लैक्मे का आइकॉनिक आईलाइनर, गो फॉर इट। अब बात करते हैं काजल की, तो काजल का मैंने इस बार ट्राई किया, आप देख सकते हो तो मुझे ऐसे ही रिसीव हुआ था, और ये है मिस क्लेयर का काजल, आई थिंक 50 रुपए या 55 रुपए ऐसे ही मुझे मिला था ये काजल। मुझे एलिटिन का काजल बहुत अच्छा लगता है गाइज, जो मिलता है 99 या 100 रुपीज का, बेस्ट काजल है। मुझे इनसाइड का काजल बहुत पसंद था, लेकिन उसके बाद अब मैं एलिटिन के काजल में आ गई हूँ, मुझे बहुत पसंद आया था। अब इसके बारे में, अब इसको देखते हैं कि ये कैसा है। तो क्वांटिटी एंड ऑल सब कुछ अच्छा है, नॉट बैड, आप देख सकते हो दोनों आंखों में कितना ज्यादा डिफरेंस लग रहा है। और मैं तो अगर काजल ना लगाऊं ना तो मेरे घर में सब सोचते हैं कि मैं बहुत बीमार हूं। वाओ, नाइस, अच्छा लगा मुझे। इग्नोर हो, कुछ सस्ता लेना चाहते हो, अपने पॉकेट से लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो, मिस क्लेयर का वन स्ट्रोक काजल, एक्चुअल में वन स्ट्रोक काजल है, मुझे अच्छा लगा। मेकअप डन, अब मैं अप्लाई करने जा रही हूं हाइलाइटर, और तो कुछ नहीं बचा ना। ओके, हाइलाइटर के लिए मैंने ऑर्डर किया था ये लैक्मे का ही। अब आप सोचोगे ये दोनों एक ही जैसा, यस ये एक जैसा ही, ये है लैक्मे का ब्लश, ये वाला जो मैंने ब्लश लगाया सेम उसी में का है ये फेस इट हाइलाइटर। लेकिन इसको लगाने से पहले मैं आपको इसका हाल दिखा देती, रिसीव हुआ था ये पूरा ऐसा टूटा हुआ मुझे रिसीव हुआ था, यूज ही नहीं कर सकती हूँ और ये बहुत ज्यादा मेसी हो रहा है, पूरे चारों तरफ फैल जा रहा है। मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया
कलर्स क्वीन, ये ब्रांड बहुत सुन रही हूँ मैं, तो मैंने इसका ये पैकेजिंग है, मैंने इसको निकाल दिया था और इसमें आपको 4 शेड मिल जाएंगे। एक्चुअली इसमें बहुत सारे शेड हैं, आपको जो सेलेक्ट करना होगा करना, मैंने रैंडमली ये सेलेक्ट कर लिया था क्योंकि यूज तो एक ही दो करूंगी, ये व्हाइट और इतना ज्यादा डार्क नहीं करने वाली हूं मैं। और ये सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ, मैं थोड़ा पिंक वाला यूज कर रही हूँ। सी वाओ ब्यूटिफुल, बहुत ज्यादा अच्छा है, बार में ही ना इतना बढ़िया ग्लो देता है ये क्वींस कलर का, आप एक बार ट्राई जरूर करना। तो इसको भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। बात करेंगे मेकअप फिक्सर, ने लिया है ये ब्लू हेवन का लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर। और मेरे पास एक स्विस ब्यूटी का है जो मैंने नायका से ऑर्डर किया था, और अब मैंने ऑर्डर किया है ये ब्लू हेवन का, इसके बारे में भी बहुत सुना है, तो चलो देखते हैं कैसा है। बस इसको हल्का सा शेक करना है। बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है, मेकअप फिक्सर बहुत अच्छा लगा। मेरे पास जो स्विस ब्यूटी का है ना, पता नहीं क्यों मैं जब भी उसको स्प्रे करती हूँ मेरी आंखें जलने लगती हैं, डोंट नो व्हाई, और इससे बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी ब्लू हेवन का लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर। हैप्पी। ओके, अब बात करते हैं लिपस्टिक। तो लिपस्टिक के लिए मैंने न्यू लॉन्च ही ट्राई किया है, वो है इनसाइट कॉस्मेटिक्स का, मैंने ट्राई किया एक लिप ग्लॉस भी मार्स का, जो कि इनका न्यू लॉन्च है और मेरा बड़ा मन था यार इसको यूज करने का, तो मैं दोनों यूज करूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं सबसे पहले मार्स का यूज करके आपको दिखाऊंगी। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है। ओके, तो ये है ये लिप ग्लॉस, ये है कैरमल क्रंच, पैकेजिंग आप देख लो, बहुत अच्छी पैकेजिंग दी गई है। इसका एप्लीकेटर ना एकदम वो जो हाईफाई वाले ब्रांड के एप्लीकेटर होता है ना, वैसा ही दिया है। टॉफी सा फील हो रहा है। इसमें 2-3 कलर अवेलेबल है, आप ट्राई कर सकते हो पिंक और कोरल में, और ये ब्राउन में, इससे भी डार्क ब्राउन है, बट ये वाला अच्छा लग रहा था मुझे भी। अगर आप कुछ ग्लॉस सा चाहते हो तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, लेकिन अभी मैं लिपस्टिक लगाऊंगी तो इसको मैं हटा रही हूं, और मैं अब ट्राई करने वाली हूं इनसाइट कॉस्मेटिक्स के लिपस्टिक जो न्यू लॉन्च है, और ये बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो अब मैं इसको ट्राई करूंगी। इसकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा अच्छी है गाइस, मैं बात कर रही हूं इस शेड की। मैंने जब इसको देखा था ना, तो मुझे लगा था कि जो इसकी पैकेजिंग है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट सा होगा, ऐसे फोल्ड हो जाएगा जैसे टूथपेस्ट होता है वैसा, बट नहीं, ये बहुत हार्ड है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, ये कहीं से मुड़ने नहीं वाला है, बहुत अच्छी क्वालिटी का दिया है। और कलर, ओ माई गॉड, एकदम मक्खन जैसी अप्लाई हो रही है गाइस, देख लो। इसमें जो भी जितने भी कलर है ना, सब बहुत अच्छे हैं, और एक मैं न्यूड मंगाने वाली हूँ, ये वाला सच में बहुत अच्छा कलर है, बहुत बहुत प्यारा वाला रेड है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, अब कुछ बचा है क्या? ओके, आई थिंक सब कुछ खत्म कर दिया, हो गया है। हाँ, मस्कारा, ओ यस, इस बार मैंने इनसाइट का मस्कारा मंगाया है। मेरे पास आई थिंक मस्कारा फेसेस कनाडा का है जो मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, और मेरे पास मस्कारा है ब्लू हेवन का, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। इस बार मैंने ट्राई किया है इनसाइट कॉस्मेटिक्स का मस्कारा, इसकी पैकेजिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी है। वाओ, ब्लू हेवन का मस्कारा भी ट्राई कर सकते हो, वो बहुत ज्यादा अच्छा है, ये भी अच्छा है, बट इससे बेटर लगा मुझे ब्लू हेवन वाला। अभी आप बताओ मेरा मेकअप कैसा लग रहा है इस ड्रेस के साथ, आई नो नहीं अच्छा लग रहा होगा, तो मैं फटाफट से इसको चेंज करके गाइस, तो मैं हो गई हूँ अच्छे से रेडी। क्या मैंने ड्रेस पहन लिया, क्योंकि मैंने रेड लिपस्टिक लगाई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना रेड कलर का ही ड्रेस पहनूं। और सच सच बताओ आपको मेकअप कैसा लगा, बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट से मैंने ये लुक क्रिएट किया है जिसको हर कोई कर सकता है। मेरा मानना है कि अगर मैंने कर लिया है ना, तो कोई भी कर सकता है इस दुनिया में। सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान दीजिए, खुद से बहुत सारा प्यार करिए। बाय।